का फाइट बहुत अच्छा है, उसके हीरोइन भी बहुत अच्छी है, उसका एक्शन भी बहुत अच्छा लगा, बाकी सब कुछ ठीक ही है। गाने भी अच्छे है, पिक्चर भी अच्छा है, हीरो भी अच्छा है। आवाज है और गाने फाइट का एवरीथिंग ओके। हीरो हीरोइन का फर्स्ट क्लास मस्त मस्त। रमाकांत जी पिक्चर बनाया ठीक है, बहुत अच्छा लगा। गाने डांस फाइट अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा है अच्छा है देखा अच्छा है अच्छा है। गाने कैसे लगे डांस सब बहुत सब अच्छा है, बहुत अच्छा डामी था, हाँ बहुत चलेगी, मार बार सब एक्शन कहानी सब रिएक्शन सब अच्छा ही है, सब हीरो से लेकर बैटिंग फैटिंग सब अच्छा ही था, बहुत मस्त चलेगा। ठीक है सब ठीक है, डांस फाइट सब ठीक है। बहुत अच्छी पिक्चर है जिसमें विक्रांत बहुत अच्छा काम किए हैं, विक्रांत को तहे दिल से धन्यवाद, हाँ लव यू विक्रांत, बहुत अच्छा काम आपका लगा। और हीरा की फाइट नंबर वन। मोना लिसा जितनी तारीफ की जाए कम है, पिक्चर बहुत अच्छी है, दर्शक जाके देखे अपना प्यार आशीर्वाद दे, वो भी बहुत अच्छी बनी है भाई, बहुत अच्छी पिक्चर है। और पाकिस्तान में जय श्री राम अपने आप में एक ऐसा टाइटल है कि जिसमें सब कुछ बयां हो जाता है। गाने बड़े अच्छे हैं, विक्रांत की एक्टिंग बड़ी अच्छी है, टर्निंग पॉइंट है विक्रांत भाई के लिए। और राजपूत फिल्म फैक्ट्री का बहुत अच्छा प्रयास है भूपेंद्र विजय सिंह और बबलू एम गुप्ता का, हमारी शुभकामना के साथ में। इसमें मतलब पहले बात तो मुद्दा ही ऐसा है, बहुत कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि पहली बार इस फिल्म में हुई हैं। और मोनालिसा है तो मोनालिसा का अपना अलग ही क्रेज है, और नेहा सिंह ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, फिल्म में मनोरंजन भी है, गाने बड़े अच्छे हैं, और मुद्दा भी है, तो मुझे लगता है कि मतलब पब्लिक को ये पसंद आएगी और देखेंगे वो इसको। गाना अच्छा है, फाइटिंग भी अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नवरंग वाले लगाने वाले नहीं थे फिल्म, उनको ऐसा क्या लगा फिर रात को बोले हाँ ठीक है हम लोग लगा रहे फिल्म को, और रिस्पॉन्स आज ही पोस्टर लगा और आज ही सब कुछ हुआ और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बाकी भीमंडी यहाँ हुआ, कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, बॉम्बे साइड में भी अच्छा है, सब जगह अच्छे ही है। बाकी जय श्री राम। मैं ही कहना चाहूँगा कि फिल्म तो गजब खूबसूरत फिल्म बनी है, और ये जो प्रोड्यूसर है इस सिनेमा के, जो भूपेंद्र जी है, बबलू जी है, उन्होंने अपने तरीके से सब कुछ दिया है। थोड़ा सा वीकनेस है डायरेक्शन का और जो राइटर का है, जो उन लोगों को और मेहनत करना चाहिए था, तो कहीं कहीं वो थोड़ा सा लग रहा है, और हर सिनेमा में होता है, हिंदी की बड़ी बड़ी सिनेमा आती है उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा वो लोग कमियाँ रह जाती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि गजब खूबसूरत सिनेमा है, हर पब्लिक को मैं बोलूँगा कि आके आप लोग सिनेमा देखिए। Planet Bhojpuri.